नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर बीइंग एक्सीलेंट के प्लेटफॉर्म से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पॉलीहाइड्रोक्विनोन्स के बारे में। पॉलीहाइड्रोक्विनोन्स क्या है? इंक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड ग्रेटर देन 2000 ml, 2000 ml से एमनियोटिक फ्लूइड का ज्यादा होना वो बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्विनोन्स। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है? 600 से 800 ml एट ट्रम। ट्रम पे जो है 600 से 800 ml नॉर्मली पाया जाता है। और जो है नॉर्मल से कम डिक्रीज इन एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml, 200 ml से कम जो है उसे क्या बोलेंगे हम? ओलिगोहाइड्रोक्विनोन्स, उसे हम बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोक्विनोन्स बोलेंगे। अब जो है एमनियोटिक फ्लूइड, आपको पता होगा एमनियोटिक फ्लूइड जो है, जैसे ये बेबी है, ये बेबी है जो इसके चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या है? अगर कोई चीज आके टकराएगी तो क्या है, इतना ज्यादा जो है उसको हार्म नहीं होगा, हार्म को मैक्सिमम कम से कम जो है करे, ये जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है। जैसे बाइक में शॉकर होती है, जब कोई खड्डा आता है तो क्या होता है, शॉक वो एब्जॉर्बर जो है, शॉकर जो है जो शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और चलाने वाले को इतना झटका नहीं लगता। और क्या करता है ये शॉक एब्जॉर्बर? बैलेंस बॉडी टेम्परेचर। अब जो है एमनियोटिक फ्लूइड के कलर, अलग अलग कलर देखे जाते हैं। नॉर्मल जो है एमनियोटिक कलर, नॉर्मल एमनियोटिक कलर, नॉर्मल एमनियोटिक कलर पेल येलो कलर होता है, हम उसको स्ट्रा कलर भी बोलते हैं, स्ट्रा कलर भी हम बोल देते हैं उसको। अब जो है एबनॉर्मल एमनियोटिक कलर जो है कौन से है जिससे जो है पता चलता है, जैसे ग्रीन कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो क्या है फीटल डिस्ट्रेस जो है देखने को मिलता है। अब जो है ब्लैक कलर या फिर इसको बोल देते हैं हम टोबैको कलर, ये होता है IUD, इंट्रा यूट्राइन डेथ। और जो है रेड कलर, ब्लैक
ब्लैक रेड कलर, ये होता है हेमरेज। हेमरेज के लिए और गोल्डन कलर, गोल्डन कलर होता है आरएच इनकंफर्टेबिलिटी। इनकंफर्टेबिलिटी के लिए जो है गोल्डन कलर होता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है चेंज हो जाता है। अगर जो है ये सैफ्रॉन कलर का होता है, सैफ्रॉन कलर मतलब ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी के लिए, पोस्ट मैच्योरिटी के लिए ये ग्रीनिश येलो कलर, इसको सैफ्रॉन कलर भी बोल देते हैं, ग्रीन कलर या ग्रीनिश कलर फिटर डिस्ट्रेस के लिए। और ब्लैक कलर जो है वो होता है टोबैको कलर, आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डेथ के लिए। और ब्लैक रेड कलर हेमरेज के लिए, और गोल्डन कलर आरएच इनकंपैटिबिलिटी के लिए, और जो है सैफ्रॉन कलर यानी ग्रीनिश येलो वो होता है पोस्ट मैच्योरिटी के लिए। ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने की वजह जो है कलर चेंज होता है और ये डिजीज डेवलप हो जाती है। अब जो है इसमें हम देखते हैं क्योज, इसके क्या क्योज है, पॉलीहाइड्रोमिनाज होने के क्या क्या क्योज है। दो तरह से, एक तो मदर की तरफ से, एक होता है फीटस की तरफ से। फीटस की तरफ से मदर की तरफ से क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस मदर, डायबिटीज मेलाइटस मदर, डायबिटीज मेलाइटस मदर में क्या होता है, यहीं पे देखो, डायबिटीज में 3P देखने को मिलते हैं। पहला पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया, पॉली यूरिया, पॉली डिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉली यूरिया, पॉली डिप्सिया, ये 3P जो है डायबिटीज में देखने को मिलते हैं। पॉली यूरिया एक्सेस यूरिन ज्यादा पेशाब करेगा। पहला पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेस थ्रस्ट, एक्सेस थ्रस्ट यानी कि बहुत ज्यादा प्यास बढ़ जाएगी। और पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया क्या होता है, एक्सेस हंगर, ये जो है डायबिटीज के मेन 3 लक्षण है। अब जो है डायबिटीज मदर, डायबिटीज मदर रीनल प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम होती होगी तब तो क्या होगा, पॉली हाइड्रोमिनास और कार्डियो प्रॉब्लम। अगर मदर को कोई कार्डियो प्रॉब्लम है तो
क्या वहाँ पॉलीहाइड्रोमिनास, रिनल प्रॉब्लम है तो पॉलीहाइड्रोमिनास और डायबिटीज मेलाइटस की जो है मदर है उसको भी पॉलीहाइड्रोमिनास जो है होगा, और फीटस फीटस के केस में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट ये जो है इसका क्यूज है रीनल प्रॉब्लम, कार्डियो प्रॉब्लम, रीनल प्रॉब्लम, कार्डियो प्रॉब्लम और देखने को मिलती है हमें यहाँ पे टीईएफ, ट्रेकिया इसोफेगस फिस्टुला। क्या है ट्रेकिया इसोफेगस फिस्टुला? अब फिस्टुला क्या होता है? ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में जो है एक कनेक्शन बन जाए, ओपनिंग हो जाए दोनों के बीच में, उसे फिस्टुला कहते हैं, फिस्टुला बोला जाता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और देखने को मिलता है इसोफेगल अट्रेजिया, इसोफेगल अट्रेजिया। अट्रेजिया होता है एब्सेंस ऑफ ओपनिंग, एब्सेंस ऑफ ओपनिंग। अट्रेजिया मतलब जहां पे ओपनिंग होनी चाहिए वहां पे ओपनिंग नहीं होती, वहां पे तो है क्लोज हो जाता है, उसे बोला जाता है अट्रेजिया। इसोफेगस में अट्रेजिया यानी इसोफेगस की जो है वो आगे से बंद है, और जो दूसरे हैं जैसे इंटेस्टाइनल अट्रेजिया यानी कि इंटेस्टाइन आगे से बंद है, ये जो है क्योज है इसका पॉलीहाइड्रोमिनास। ये तीन चार चार पांच है, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, रेनल प्रॉब्लम, कार्डियो प्रॉब्लम, टीईएफ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और इसोफेगल एट्रेजिया। ये तो है फीटस की तरफ से, अगर फीटस इनसे पीड़ित है तो पॉलीहाइड्रोमिनास जो है ऑटोमेटिक होगा। अगर इनसे है मदर पीड़ित है, डायबिटीज मदर है, रीनल प्रॉब्लम है, कार्डियो प्रॉब्लम है तो पॉलीहाइड्रोमिनास होगा। अब जो है डायग्नोस, डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस किससे करेंगे? यूएसजी से। यूएसजी क्या है? एक कॉन्फर्मेटरी है, कॉन्फर्मेटरी डायग्नोस इज यूएसजी, कॉन्फर्मेटरी डायग्नोस यूएसजी होता है। और इसको डायग्नोस करने के लिए क्या देखते हैं हम? एमनियोटिक इंडेक्स, एमनियोटिक इंडेक्स जो है हम देखते हैं, नॉर्मल एमनियोटिक इंडेक्स कितना होता है? नॉर्मल जो है 20 सेंटीमीटर है, और ये देखने को कितना मिलता है? ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो है हमें ये देखने को मिलता है। 20 नॉर्मल और 25 से ज्यादा है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ज्यादा है तो वो क्या डायग्नोज हो रहा है? पॉलीहाइड्रोमिनास। अब तो है
अब देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने को मिलेगा हमें, गेस्टेशनल हाइट गेस्टेशनल हाइट कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर से ज्यादा। गेस्टेशनल हाइट 40 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलेगी और एब्डोमिनल गर्थ देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल गर्थ का मतलब यह है अगर हम जो है स्केल लेके ये उसको बोलते हैं इंची टेप लेके हम जो है मापते हैं जो उसका एब्डोमिनल एरिया है तो वो है उसे हम एब्डोमिनल गर्थ बोलते हैं। और ये कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी तो हम इसे पॉलीहाइड्रोमिनाज कंसीडर करेंगे। डिफिकल्ट टू लिसन फीटल हार्ट साउंड। डिफिकल्ट टू लिसन फीटल हार्ट साउंड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे की धड़कन देखने सुनने में जो है काफी परेशानी होगी। और फीटल पार्ट को पैल्पेट करेंगे तो वो भी उस अच्छी तरह से नहीं होगा। डिफिकल्ट टू पार्पेट फीटल पार्ट। और क्या है प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी अगर पॉलीहाइड्रोमिनाज होता है तो। अब मैनेजमेंट अब सीधी ये बात है, मैनेजमेंट सोच के देखो, अगर वाटर ज्यादा है एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है तो क्या किया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो क्या किया जाएगा, कम है तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको डाला जाएगा। तो निकालने वाले को क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। इसमें क्या है, एमनियोटिक कैविटी जो है एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है कहां से, एमनियोटिक कैविटी से। और किससे निकालते हैं, बाय 18 गेज
कैथेटर। 18 गेज का जो हम कैथेटर यूज करते हैं और अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज एमनियोटिक फ्लूइड पर डे, मतलब यानी कि एक दिन में एमनियोटिक फ्लूइड हम कितना निकाल सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड डिस्चार्ज पर डिस्चार्ज पर डे कितना, 1.5 लीटर पर डे। अब ये बताओ अगर हम इससे ज्यादा निकाल लेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन है अगर हम 1.5 लीटर से एक दिन में ज्यादा निकाल लेते हैं तो क्या होगा। सीधी बात है अगर हम ज्यादा निकाल लेंगे तो फ्लूइड इम्बैलेंस होगा। फ्लूइड इम्बैलेंस होने के कारण जो है काफी सारी कॉम्प्लिकेशन जो है उनका सामना करना पड़ेगा। अब पॉलीहाइड्रोमिनल होने के कारण कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगी। पहली फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। दूसरा जो है हमें देखने को मिलता है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन क्या होता है सर, एस्पिरेशन होता है पीने वाली चीज स्टमक में जाती है, स्टमक में ना जाके वो लंग्स में चले जाए वो एस्पिरेशन होता है। पीने वाली चीज स्टमक में जाती है, खाने वाली चीज स्टमक में जाती है, वहां ना जाके वो लंग्स में जाए उसे एस्पिरेशन बोला जाता है। और थर्ड जो है आईयूडी इंट्रायूटराइन डेथ और प्रीटर्म डिलीवरी। प्रीटर्म डिलीवरी करनी पड़ती है हमें सर, प्रीटर्म डिलीवरी क्यों करनी पड़ती है क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस है, फीटल बच्चे को जो है रेस्पिरेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन ठीक तरह से नहीं होगा तो फिर हमें जो है पूरा टाइम करने की क्या जरूरत है, पहले ही जो हम डिलीवरी करवा देंगे, ये करना जरूरी है। अब जो है इसमें ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर और येलो। फीटल फीटल डिस्ट्रेस सीन इन, फीटल डिस्ट्रेस सीन इन मतलब फीटल डिस्ट्रेस किसमें देखने को मिलता है, ग्रीन कलर में और आईयूडी इंट्रायूटराइन डेथ किसमें देखने को मिलता है वो होता है ब्लैक कलर में। अब जो है हेमरेज, हेमरेज हेमरेज देखने को मिलता है किसमें, रेड कलर में। ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है वो के पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी जो है किस कलर के एमनियोटिक फ्लूइड में
दिखती है वो होता है हमारा कौन सा ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर। और पूछ लेते हैं नॉर्मल जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कौन सा होता है, स्ट्रॉ कलर जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है। एक पूछा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है। नॉर्मल जो है फ्लूइड, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड पूछा जाता है कब एट टर्म, वो 600 से 800 एमएल होता है। और कॉन्फर्मेटरी डायग्नोस पूछते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनास का कॉन्फर्मेटरी डायग्नोस कौन सा होता है, यूएसजी। और एमनियोसेंटेसिस मैनेजमेंट पूछी जाती है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेसिस अगर ज्यादा कर देंगे हम 1.5 लीटर पर डे से ज्यादा कर देंगे, हम 2 लीटर पर डे जो है फ्लूइड रिमूव करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस देखने को मिलेगा जो कि मदर के लिए खतरनाक होगा। आज का यहीं तक, अगर आपने यहां तक देखा है, थैंक यू। Yeah, you